बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दंगल रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को लेकर तो क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए ही थे, लेकिन ऑडियंस को भी ये काफी अच्छी लगी है। जी हाँ, इसका अंदाजा आप इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा सकते हैं। और वैसे भी फिल्म रिलीज होते ही इंतजार होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, और जब फिल्म आमिर खान की दंगल हो तो फिर ये उत्साह दुगना हो जाता है। बता दें, हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा 104.60 करोड़ रुपए। फिल्म ने पहले ही दिन यानी शुक्रवार को 28.79 करोड़ की शानदार ओपनिंग दी है, जबकि शनिवार को 34.82 करोड़ और रविवार को 40 करोड़ के लगभग की कमाई की है। यानी 70 करोड़ के बजट में तैयार हुई इस फिल्म को सुपर हिट होने के लिए 100 करोड़ तक का कलेक्शन करना था, जो फिल्म ने पहले वीकेंड में ही निकाल लिया है। फिल्म दंगल ने अब तक 104.60 करोड़ का कलेक्शन किया है। बता दें कि फिल्म भारत के 4,300 सिनेमाघरों और विदेश के 1,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म रेसलर महावीर फोगाट और उनकी बेटियां गीता और बबीता की जिंदगी पर बनी है। फिल्म का कलेक्शन देखकर लगता है कि दंगल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है।